हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की। एजुकेशन की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक गुड न्यूज़ है, रियली वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट, स्पेशली फॉर द नवोदय लवर्स। नवोदय का जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, एंड फॉर देम देर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम। अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, दो एग्जामिनेशन इज़ ऑन 30 अप्रैल। ठीक है, एग्जामिनेशन मतलब 30 अप्रैल को ही है, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो यू विल गो टू द साइट, रियली लिटिल बिट प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, सो डोंट वरी एट ऑल, यू आर गोइंग टू गेट द चांस। कभी कभी क्या होता है कि साइट में ओवरलोड होता है, जिस कारण मतलब नहीं हो पाता है। प्रिंट ऑप्शन डालने के बाद ब्लैंक प्रिंट भी निकल रहा है, सो दैट इज़ नॉट द इशू। आई रियली गॉन थ्रू द मैटर, मैं अभी उसको देख रहा था। कोई बात नहीं है, कल निकल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आई रियली लाइक टू विश ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्पिरिट ऑफ नवोदय हु इज गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन ऑन 30 अप्रैल। ओके, सो अभी भी बहुत टाइम है, अभी स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम इन योर हैंड। आपको क्या क्या फोकस करना है, डू यू नो, जस्ट गो थ्रू द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में जाइए, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, एंड डोंट गो, मतलब बहुत ही बैक डेट में नहीं जाना है। ओके, 3 साल का पेपर देखना है, आइडिया लगाना है किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ना कि मतलब 10 साल पुराना पेपर में नहीं जाना है। इफ़ यू विल गो टू द 10 ईयर बैक पेपर्स, देन व्हाट विल हैपन, वो पैटर्न ही चेंज हो चुका है। बहुत सारा मतलब वहाँ से मतलब क्या हुआ, चैप्टर्स को इलिमिनेट कर दिया है। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, सो डोंट गो सच इन बैक डेटेड एग्जाम्स। ओके, गो थ्रू एटलीस्ट 4-5 ईयर्स पेपर, उससे ज़्यादा मत जाइए। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को समझिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझिए कि हर एक चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है, पैरामीटर से, किस तरह का क्वेश्चन उसे पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है, सिंप्लीफिकेशन से आता है, तो क्या मतलब किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीज़ को देखिए। ठीक है, नाउ द टाइम इज़ टू रियलाइज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन, एंड यू हैव टू प्री प्लान योर सेल्फ। ठीक है, पहले से प्लान कीजिए कि मैं एग्जाम में जाना है, पहले रीजनिंग को क्रैक कर देना है। ठीक है, रीजनिंग इज द मेन थिंग, गो थ्रू द रीजनिंग वेरी नाइसली। ओके, रीजनिंग इज गोइंग टू पुट यू ऑफ। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज का भी अपॉर्चुनिटी है, देन मैथ्स। अल्टीमेटली मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस मतलब क्या करेंगे, कुछ तो हार्ड देगा, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सच एन ईजी, बिकॉज मैथ्स इज ऑनली गोइंग टू डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू स्कोर मोर मार्क्स। रीजनिंग भी करेगा, लेकिन रीजनिंग में क्या है कि मैं देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर वेरी गुड इन रीजनिंग। रीजनिंग में सब बच्चे बहुत ही इक्वली बराबर ही चलता है, पैरल चलता है। ठीक है, मैथ्स में गैप हो जाता है। मैथ्स में क्या होता है कि अप्स डाउन ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा गैपिंग होता है। लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत गैपिंग होता है, लेकिन क्या बोलता है, कोई आसामीज वाला है वो उसको मतलब अप करके लेके चलता है। सो दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट। माय पार्ट इज़ दैट जस्ट गो थ्रू द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझ में आना चाहिए, बच्चों को स्पेशली, पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत इसमें हेल्प कीजिए, और दोज हु आर इन कोचिंग सेंटर डोंट वरी एट ऑल। मैं भी मतलब कोचिंग ही चलाता हूँ, रियली आई एम जस्ट गिविंग द गाइडलाइन टू ऑल द स्टूडेंट दैट हाउ यू हैव टू डू द प्रिपरेशन, एंड मेनली मॉक टेस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जितना मॉक टेस्ट कीजिएगा उतना ही फायदा होगा, एंड डेफिनेटली एट दिस टाइम जो जितना मॉक टेस्ट लगाएगा उतना ही सक्सेस और उतना ही नंबर लेके आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द नवोदय एग्जामिनेशंस, बहुत ही सामने है, डोंट वरी।